हो चुके हैं और हमने अपना बैग भी पैक कर लिया है, तो हम चलते हैं। मेरे साथ मेरी बहन है, तो हेलो बोलना चाहूँगा पब्लिक को। हाँ जी गाइज, एक और बार मैं आप सभी लोगों के बीच। तो गाइज़ मैं रास्ते में व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि हमें बहुत लेट हो गई थी और आपको पता ही है, देखो शाम होने वाली, शाम के 7:30 बज चुके हैं। गाइज रेडी हो आप चलने के लिए? हैं yes. चलें course. चलें हाँ. ये हमारा बैग है, बहुत थक चुके हैं हम। पहाड़ देखो, बट अ नाइस नाइस गाइज। तो हाँ जी गाइस, मैं पहुंच चुका था अपने घर पे। जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं अपने गांव आया हूँ, मेरे गांव का नाम है रामा, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मैं सीधे आते ही सीधा पड़ गया, सीधा सो गया। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। मेरे गाँव का नाम आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को मेरे गाँव का नाम पता होगा। जिस किसी ने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाओ और वॉच देखो यार, फर्स्ट व्लॉग भी देखो। तो गाइज मेरे गांव का नाम है रामा, जो कि प्रोल्ला उत्तरकाशी में पड़ता है। प्रोल्ला हमारा ब्लॉक है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड स्टेट में। तो बहुत अच्छा सीनरी है वहाँ पे, बिल्कुल माउंटेन एरिया है। तो मैं आज अपने गाँव जा रहा हूँ, दिखाते हुए आपको आगे की जर्नी। और मेरे साथ जा रही है मेरी बहन, ठीक है? अब चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस रास्ते का सीन क्या होता है और आपको अपने फैमिली वालों से मिलाएंगे लास्ट में। अब टाइम करीब करीब 1 बज चुका है, तो मेरे हिसाब से मैं शाम को ही पहुंचूंगा, 6-7 बजे करीब। तो चलते हैं, ठीक है? ओके भाई, ये हो चुके हैं और हमने अपना बैग भी पैक कर लिया है, तो हम चलते हैं। मेरे साथ मेरी बहन है, तो हेलो बोलना चाहूँगा पब्लिक को। हेलो गाइस। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको डायरेक्ट गाँव में जाके। हाँ जी गाइज, एक और बार मैं आप सभी लोगों के बीच। तो गाइज मैं रास्ते में व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि हमें बहुत लेट हो गई थी और आपको पता ही है, देखो शाम होने वाली, शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम इस टाइम अभी अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ ही सकते हो कितनी देर हुई, मैं कंटिन्यू ड्राइविंग करके आया फिर भी हम टाइम पर नहीं पहुँच पाए। तो मैं इस टाइम यहाँ इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत प्यारी सी लोकेशन में हूँ। आप देख सकते हो, व्यू दिखाऊं आपको, बहुत प्यारी सी लोकेशन है, बहुत ज़्यादा। तो इसी प्यारी सी लोकेशन के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पे इस साइड में जाके लाखा मंडल मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है शिव जी का, आप लोगों को पता ही होगा। जिस जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप विज़िट करो, आप यूट्यूब गूगल कहीं पे भी जा सकते हो, देख सकते हो, बहुत फेमस मंदिर है लाखा मंडल का। ये पड़ता है हमारे बन्नीगढ़, यहाँ से बन्नीगढ़ से यहाँ ऊपर को इसका रास्ता जाता है, बहुत प्यारा मंदिर है यहाँ पे। तो आप आओ विज़िट करो ज़रूर, मैं भी हो सके तो आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे 50 किलोमीटर इज़ नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। तो मैं आप लोगों के लिए आऊँगा ज़रूर और दिखाऊँगा यहाँ लाखा मंडल का, व्लॉग बनाऊँगा। तो अब चलते हैं गाइस, बस इसीलिए रुका था मैं क्योंकि हमने थोड़ा रास्ते में खाना खुना भी खाया, लेकिन मैं आप लोगों के सामने दिखा नहीं पाया, व्लॉग नहीं बना पाया। कोई नहीं, अब चलते हैं, वैसे भी लेट हो रही है, मिलते हैं आपको डायरेक्ट सीधा घर पे, ठीक है? गाइस रेडी हो आप चलने के लिए? हैं yes. चलें course. चलें हाँ. ये हमारा बैग है, बहुत थक चुके हैं हम। पहाड़ देखो, बट अ नाइस नाइस गाइस। धूप भी छुप चुकी है और मौसम भी बादल बादल, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं गाइस, अब हेलमेट हेलमेट पहन लेते हैं, वो क्या क्या हो गया, अटक गया। तो चलते हैं गाइस अब, ठीक है? सीधा मिलेंगे डायरेक्ट घर पे, आप मम्मी से मिलाऊंगा, पहले मिला रखा मैंने शायद मम्मी से। तो गाइस फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और मैं अपने रूम पे उस टाइम पे, और टाइम हो चुका है 9 बज गए हैं रात के, लेट पहुँचे गाइस बहुत। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो इस टाइम पे खाना बन चुका है, अब चलते हैं खाना खुना खाने, मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए। गाइस ये है हमारे गांव का घर, ये ऊपर लकड़ी वाला मकान है हमारा पुराना घर, ये हमारी किचन है। क्या बना रखा? दाल चावल। दाल चावल, चावल बना रखी गाइस रात को। चलो कोई नहीं, खाते हैं खाना खुना फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो हाँ जी गाइस, मैं पहुंच चुका था अपने घर पे। जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं अपने गांव में आया हूँ। मेरे गांव का नाम है रामा और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मैं सीधे आते ही सीधा पड़ गया, सीधा सो गया। तो गाइस अब व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पर तुम्हें एक भयंकर सी बात बताऊँ भाई, आज का ज्ञान ये है कि भाई, मैं पहले सोचता था कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, है ना। और मैं करता था, जो भी मुझे मिलता था मैं मदद कर देता था। तो भाई मदद करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा आप किसी की मदद मत करो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत मदद की है लोगों की, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग ऐसे ना भाई, मदद करने के बाद गुण नहीं रखते, बस बातें। तो मेरे को एक मेरे एक महान इंसान ने आज बताया कि भाई, किसी की हेल्प करने से कुछ नहीं होता। ये बोलने की बात रहती है कि तुम्हें आगे जाके पुण्य मिलेगा, तुम किसी की मदद करोगे, ये भाई किस्मत का लिखा होता है ना, जो जिसकी किस्मत में लिखा होगा वो होता है। तो भाई मदद करो ऐसे इंसान की जो तुम्हें लगता है कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए, ये अच्छा है और ये बैक रिटर्न भी देगा, है ना। बस यही है, क्योंकि किसी की मदद करने से कुछ नहीं मिलता। भाई मदद करनी है, अपने घर वालों की मदद करो, अपने भाई बहन की मदद करो, अपने घर से जुड़े रहो अच्छे से, ठीक है गाइस। ये था, समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और फिर व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, और कल आपको दिखाएंगे अपने गांव का नज़ारा सुबह सुबह का, ठीक है। ओके, बाय बाय।